हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू वाचिंग द इंटरेस्टिंग चैनल एक फॉर टेक्नोलॉजी। तो दोस्त, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक फॉर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्त, आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रेडमी फोर जो मोबाइल है, मैंने आज ही उसे अमेजोन से बाय करा है, खरीद रखा है, नया फोन खरीदा है रेडमी का फोर, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से उसे ऑर्डर कर सकते हो और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई जानकारी वहाँ से ले सकते हो। उसके फोन के सिस्टम्स, फीचर्स, रैम, रोम के बारे में, कैमरा क्वालिटी, जो भी प्रोसेसर सिस्टम से उसकी जानकारी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेजोन के लिंक आईडी से भी ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे रेडमी 4 की अनबॉक्सिंग, तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग रेडमी 4। हाय गाइस, तो ये है अमेजोन का पार्सल और आज ही मैंने अमेजोन से खरीदा है रेडमी 4 मोबाइल। अनबॉक्सिंग करके बता रहा हूँ आपको इस फोन के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, ये है रेडमी 4 मोबाइल जो आज मैंने अमेजोन से खरीदा है ऑनलाइन, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। इसकी रेट है लगभग 8,499। इसमें सेंसर फीचर फिंगरप्रिंट सेंसर है, रियर कैमरा है जो 13 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का। इसकी बैटरी है जो 4100 mAh की है। इसका प्रोसेसर है 435 क्वालकॉम का, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। इसकी बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, मैंने अभी ट्राई किया है। इसका है जो गोल्डन कलर में अवेलेबल है और ये बिल्कुल मेड इन इंडियन है। हाँ दोस्तों, ये मेड इन इंडियन है रेडमी 4। अभी जिसके MI के जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है जो अभी इंडिया में भी बनने लगे हैं। कुछ प्रोडक्ट है जो अब आपको बताता हूँ इस फोन को ओपन करके। जैसे मैंने इस बॉक्स को ओपन किया, के अंदर गोल्डन कलर का मोबाइल, वाइस का यूएसबी पोर्टेबल चार्जर, चार्जर एडेप्टर, यूएसबी केबल्स और इसका जो सिम कार्ड एडेप्ट चेंज करने के लिए उसका इसका जो पिन आता है, इसका आप सिम कार्ड चेंज कर सकते हो और सिम कार्ड अंदर डाल सकते हो। इसमें ड्यूल सिम है लेकिन आप ड्यूल सिम यूज करेंगे तो इसमें SD कार्ड है जो इसका यूज नहीं कर पाएंगे। एक सिम और एक SD कार्ड का आप इसमें यूज कर सकते हो, दोनों सिम और साथ में SD कार्ड का इसमें उपयोग नहीं कर सकते, वो आप अलग एडेप्टर से यूज कर सकते हैं, वो बात सही है। लेकिन इसका फोन का कंपनी का जो सिस्टम से आप दो सिम यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम और SD कार्ड यूज कर सकते हैं। ये इसकी जो दिखाई दे रही है आपको पिन, इसके जिससे आप सिम कार्ड को चेंज कर सकते हैं, सिम कार्ड को स्लॉट के अंदर कर सकते हैं। ये इसका USB केबल है और इसका ये USB फास्ट चार्जर है। इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, 1600 mAh बैटरी है, MI का ओरिजिनल चार्जर है। इसका ये जो इस प्रोडक्ट की जो फीचर्स है इसके बारे में रेडमी 4 के, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है MI का रेडमी 4 का मेनू कार्ड है, इसमें स्पेसिफिकेशन फीचर्स एवं रिव्यू सॉल्यूशंस के बारे में सिस्टम्स की सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। आप देख सकते हैं आसानी से इस पर दिखाई दे रहा है। और ये है जो हमारा रेडमी 4 गोल्डन कलर में अवेलेबल है, सेंसर सिस्टम्स, रियर फ्लैश भी है, आगे फ्लैश नहीं है। फोन काफ़ी स्लिम है और वेट इसका काफ़ी कमी है। इसका आगे से डिस्प्ले जो डिस्प्ले बॉडी का जो है आगे से वाइट है और पीछे का बैक जो कवर एंड स्लॉट बॉडी सिस्टम से वो गोल्डन कलर में अवेलेबल, बहुत ही अच्छा सिस्टम से है। अब आपको मैं इसमें सिम कार्ड यूज करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसका पिन लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे सेंसर दिखाई दे रहा है आपको, कैमरा वगैरह इसकी प्लस, ये काफ़ी स्लॉट सिस्टम से, और ये इसके वॉल्यूम बटन, ये इसके पावर बटन, और यहाँ से इस साइड में आप सिम कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसकी पिन से आपको सिम कार्ड सेटअप करके बताता हूँ आप सिम कार्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिया इसका टूल पिन, और ये इसका USB स्लॉट्स पिन से इसके सिम कार्ड एडेप्टर स्लॉट को बाहर निकाला, इसको पूरा रिमूव कर सकते हैं। इन सिस्टम्स की डिटेल्स लिखी हुई है, आप यहाँ एक सिंगल सिम माइक्रो स्लॉट SD कार्ड मिनी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मेरा जो अभी माइक्रो SD कार्ड है जो इसमें एयरटेल का है, इसमें यूज़ करके आपको बता दूँगा फ़ोन को ओपन करके। ऐसे मैंने इसको मिस कैसे सिम लगाएंगे आप ध्यान रखें दोस्तों, सिम उल्टा ना लगाएं, इससे सिम कार्ड आपका एडेप्टर इसमें फंस सकता है। इस प्रकार से उसका बैकग्राउंड है जो सिम कार्ड के सेंसर की तरफ पीछे होना चाहिए, जिसका हम दिख रहा है अट्रैक्टिव सिम स्लॉट सिस्टम्स। जैसे आप इसको अंदर डालते हैं, इस पिन से
फिर आपको उस पावर से ऑन कर देना है पावर बटन से। जैसे आप ऑन करने आपके पास कुछ स्टॉप से, ये हमारा फोन है जो MI.com डेस्कटॉप प्रेजेंटिंग स्टार्ट हो चुका है। अब एक इसका काफ़ी हद तक बेहतर एवं गुड लुक दिख रहा है हमें। इसका डिस्प्ले सिस्टम फुल HD है, 5 इंच की डिस्प्ले है, एंड्रॉइड फोन है, 435 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इसमें, MIUI 8 का अपडेट सिस्टम है सिस्टम्स। अब आपको ये आपके सामने इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा और आप यहाँ से क्लिक करके आप अपने अकाउंट को साइन अप कर सकते हैं। ये पीछे सेंसर से इसका कैमरा है, बिल्कुल स्लिम एंड हल्के वेट में है, वो बहुत ही शानदार है, बेहतर लुक है। इसका USB चार्जर कनेक्ट करने के लिए चार्जर सिस्टम है, यहाँ से USB प्लग के केबल है, यहाँ 3.5 mm का ऑडियो जैक के लिए प्लग है। लेकिन इसमें आपको बता दें कि MI अभी जो बहुत भी कंपनियाँ हैं जो भी नए फ़ोन लॉन्च करे उसके साथ में ईयरफोन नहीं दे रही है, क्या पता कंपनी का क्या सिस्टम है। अभी जो कोई भी आप नया फ़ोन खरीदेंगे तो उसके साथ में आपको ईयरफोन नहीं मिलेंगे देखने को दोस्तों। तो अभी जो कंपनी MI है तो भी है, मेरे फ़ोन के साथ में भी आपने मेरे को दिखाया, मैंने आपको कि इसके साथ में ईयरफोन नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो आप अलग से इसके लिए MI के जो ईयरफोन है आप उसे खरीद सकते हैं MI की ऑफिशियल साइट से, अमेजोन या अगर कोई भी शॉपिंग की साइट से। आपको चूज योर रीजन, आप किस कंट्री से हो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैंने अभी इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे आपको चेक करेगा कि आप इंडिया से हो गए, आप लोकेशन किसी, फिर आपको कनेक्ट टू नेटवर्क आपको कनेक्ट करना है अपने अकाउंट को साइन अप करने के लिए। जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, सेटिंग कंप्लीट हो चुका है अपने वाईफाई से, फिर लोडिंग एप्स जो इसका सिस्टम प्रोसेस है वो लोड हो रहा है। इसके बाद जो हमारे सामने ये फ़ोन इस प्रकार से स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी हद तक इसकी स्क्रीन काम कर रही है। इसका कैमरा है जो क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, अभी आप देख ही रहे कैमरे की क्वालिटी जो गुड है। इसका रियर कैमरे से मैंने फोटो क्लिक किया, आप अभी यहाँ से इसका बैक स्क्रीन पे ही है बैक आने के लिए। जैसे मैं इसको गैलरी में से आपको शो करके बताता हूँ उस फोटो को कैसे क्लियरिटी है। इस प्रकार से कुछ जैसा दिख रहा है वैसे क्लियर है, फोटो फट तो नहीं रहा, क्लियर ही दिखाई दे रहा है। ये है MI Redmi 4 दोस्तों। अगर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको पसंद है तो इस फोन को लिंक से खरीद सकते हैं।